असलकुम पाकिस्तान चैप्टर डबल जीरो वन के बिजनेस सीरीज में पार्ट थ्री में हम आपको फिर से वेलकम करते हैं आज का हमारा टॉपिक है बच्चे हाउ अ कैड हाउ अ चाइल्ड हाउ अ लिटल टेंथ नाइन्थ क्लास बेबी ऑफकोर्स हम तो बहुत छोटे होते हैं कैसे अर्न कर सकते हैं कैसे खुद को पॉलिश कर सकते हैं अर्न तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पर कैसे खुद को पॉलिश कर सकते हैं लुक बच्चों का दिमाग एक कोरा कागज़ होता है उस पर आप जो लिखोगे जो सिखाओगे जो पढ़ाओगे वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा आज कल ये जो पारामिट स्कीम हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जो फ्रॉड्स हैं इनका जो झांसा सबसे पहले जो इस जाल के अंदर आते हैं वो होते हैं नाइन्ेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑफ़कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बट एक सेटिस्फाइंग तरीके से आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो आपको क्या करना है कि आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है ठीक है कोई एक स्किल चूज़ करनी है और उसमें एक्सेल करना है अच्छा ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इसलिए कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखें उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा किस में बहुत अच्छा है कौन सी चीज़ वो नहीं करना चाहता अच्छा सबसे बड़ी बात आजकल पता है क्या होती है बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ाई में ठीक है लेकिन वो गेमिंग में बहुत अच्छा है ठीक है और पेरेंट्स क्या करते हैं कि जूते डंडे पकड़ के उसको गेमिंग से हटा दिया पढ़ो 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 बच्चा नहीं पढ़ेगा ऐसे कभी भी अगर आप ये कह रहे हैं ना कि वो आपकी मार से डर के पढ़ लेगा नो वो बागी हो जाएगा मैंने बहुत से केसेस देखे हैं ऐसे कि बच्चे बागी हो जाते हैं बच्चों को नहीं समझ आती कि भाई जो उनका इंटरेस्ट है उनसे क्यों छीना जा रहा है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टेबल बनाए हैं एक जिसमें बच्चे को उसके इंटरेस्ट उसकी जो उसकी स्किल है वो इतना अच्छा गेम अगर प्रोसीड कर रहा है इन चीज़ों को वो सीख रहा है तो प्लीज़ उसे करने दें फॉर एग्ज़ाम्पल इफ एफ एफ आ बॉय और गर्ल इज़ अ गेमर और वो बहुत अच्छा करते हैं तो क्यों ना उसको जो है वो रिकॉर्ड करके द यूट्यूब चैनल बनाया जाए बहुत से लोग कर रहे हैं बहुत से गेमर्स जैसे बैठे हुए हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो बच्चों के इंटरेस्ट से उनको कभी नहीं हटाना चाहिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट चेक करें टेस्ट करें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा जो है वो किस साइड पर जाना चाह रहा है फर्दर ऑन लेटर ऑन और... चेंज होते रहते हैं लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया रहता है और आपका जो वो बच्चा है वो आपके साथ इन्वॉल्व भी रहेगा वो आपको हर बार बताएगा अभी क्योंकि okay, मैंने ये करना है ऐसे करना है इस तरह करना है इस तरह करना है बजाय इसके कि जूता लेके के, ले के आपके उसके पीछे शुरू हो जाए और वो आपसे ही भागी होगी कि भाई भाई ठीक है मेरे माँ बाप तो कभी मुझे सुनते ही नहीं है ठीक है इंस्टेड ऑफ दिस आपको उसको अंडरस्टैंड करना है उसके बाद अगर मैं आपको मैंशन करूँ द स्किल गाला ठीक है दिस इज़ द फर्स्ट एवर कोर्स इन पाकिस्तान फर्स्ट एवर सेशन इन पाकिस्तान जिसमें ऑलमोस्ट वन जीरो सिक्स टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है ठीक है इनका जो मेन टारगेट है वो हैं छोटे बच्चे उनको कम्युनिकेशन स्किल्स देना उनको छोटे छोटे स्किल्स सिखाना छोटे छोटे डिज़ाइन सिखाना उसके बाद जो है वो यूट्यूब कुछ जितने भी आजकल ये लोग ऑटोमाइजेशन और उसके बाद जो है सब्सक्राइबर सब कुछ पैसा कमाने बहुत ही फजूलियात चीज़ें हैं डोंट वेस्ट योर मनी ऑन इट एज़ वेल अब बात है कि जो अब दीज कोर्सेज आपको आउटलाइंस यहाँ पर नज़र भी आ रही होंगी स्क्रीन पर तो दिस आर द थिंग्स द लॉट ऑफ टॉपिक्स जो आप कर सकते हो आप बचपन से ज़रा सेवन एट क्लास से स्टार्ट करो अपने डिज़ाइन uh, स्किल्स को पॉलिश करना वीडियो एडिटिंग को पॉलिश करना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी टाइम तक जाते हो आप उसमें एक्सपर्ट ना हो जाओ नो इन द एंड ऑफ दैट वीडियो वी विल गिव यू लिस्ट जिसके अंदर आपको ढेरों ढेर टॉपिक्स मिलेंगे ढेरों ढेर चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप जो है वह कर सकते हैं आई एम मैंशनिंग द नंबर बिलो कॉन्टेक्ट देम दे आर गिविंग द फ्री कंसल्टे अबाउट द करियर ग्रोथ अबाउट द स्किल्स जो कि स्पेशली बच्चे की मैंटेलिटी को देख के डिज़ाइन की गई हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में मैं फिर यही कहूँगी कि अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और उसमें एक्सल करें थैंक यू सो मच